हाँ जी मित्रों, मेरा नाम है जुमन एंड हम लोग बात करते हैं एलविश यादव के बारे में। तो भाई एलविश यादव यार भाई रिएक्ट करते हैं शिवानी कुमारी एंड साथ में भाई कृतिका मलिक की कंट्रोवर्सी पे। एंड बेसिकली भाई कंट्रोवर्सी भाई कुछ खाना बनाने के ऊपर हो जाती है। एंड उस पर भाई जो कि एलविश यादव है वो अच्छी तरह से भाई एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कॉन्ट्रोवर्सी की भाई वजह क्या थी एंड बाकी भाई आगे क्या कुछ हुआ उन दोनों के बीच में। एंड बाकी जो कि एलविश यादव है भाई उनका क्या कुछ उस पर रिएक्शन आया। एंड बाकी आप लोग यार भाई देखो। तीन चीज देखी और ये तो चलो कोई नहीं, टास्क था हेड ऑफ द हाउस वो बनेगा, कोई बात नहीं, वो तो मुझे नहीं पता क्या करेगा क्या नहीं। बट मैंने ना ट्विटर पे एक क्लिप देखी अभी, मेरी आंखों पे ये हो गया और मैं ये सोच रहा मैंने कि ये क्या देख लिया, मैंने क्यों देख लिया। लड़ाई हो रही थी कृतिका मलिक और शिवानी की कोई बात नहीं, होने दे, लड़ाई तो सबकी होती है। पर जिस बात के ऊपर लड़ाई थी वो वाली क्लिप भी देख ली मैंने, और वो क्लिप थी कि जो शिवानी है, तुमने देखी वाली क्लिप जिसमें पैर खुजा रही है अपना, ऐसे ऐसे यूँ 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 पैर खुजा रही है और उसके बाद ही खाना बनाने लगी। तो कृतिका उसको कहती है कि तू नहा ले और उसके बाद खाना बना लियो, क्योंकि मैं अभी तो नहा के आ रखी हूँ तो खाना बना रहे ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो कह रही मेरे अंदर से कुछ कुछ हो रहा है, और कौन सा सुबह का खाना बन रहा, शाम का खाना बन रहा ना। मैंने पहले सोची मैंने किसने सही बोला क्या, फिर मेरे समझ आई कि खाना तो खाना ही होता है, चाहे सुबह का बनो चाहे शाम का बनो, पैर खुजा के तो भैया हमें तो हजम नहीं होता। देखो अगर मेरे को दिख जाए कोई भाई पैर खुजा के किसी ने ऐसे गंदी तरीके से खाना बनाया, भाई मैं तो खा नहीं सकता। ऑल्दो पूरा घर गंदा है ना, तो पूरा घर गंदा सही, पर जो मेरे को दिखेगा मैं उस पर कमेंट करूंगा। अपनी दोस्त मस्त काम कर रही है, एक नंबर की लड़की है, चक्की चलाई थी लड़की ने और हमारे ग्रुप की चौथी बंदी है ना। वो उसकी मनाई नहीं कर रहा मैं भाई, उसने चक्की चलाई कटारे के लिए, अच्छा कर रही होगी, वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। मैं तो उस पर टिप्पणी देता हूँ जो मेरी आंखें देखती है। मैं किसी का लेके नहीं खा रखा, ठीक है, कि सारा किसी के बारे में अच्छा बोलू किसी के बारे में बुरा बोलू, जो आंखें देखेंगी मुंह से निकलेगा वही, चाहे सामने हो कोई के बढ़िया राइमिंग हो गई। एंड बाकी एलविश यादव के रिएक्शन पे आप लोग भाई क्या कुछ सोचते हो आप लोग भाई मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत ही भूलना।